हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो कलर बनाने वाले हैं उसका कोड है 5305। ये JSW के एक्सटीरियर सेट कार्ड से लिया गया है। जब भी हम कोई भी कलर बनाने जाते हैं तो हम किसी न किसी फैंडक से या किसी कंपनी के फैंडक से ही कलर को सिलेक्ट करते हैं। तभी हम किसी जिस भी फैंडक से सिलेक्ट करते हैं उस कंपनी में बनाते हैं। तो आज जो हम कलर बनाने वाले हैं वो JSW के एक्सटीरियर सेट कार्ड से लिया गया है 5305। ये एक पैरेट कलर है जिसके बनाने के लिए हमने येलो बेस का इस्तेमाल किया हुआ है। जब भी हम कोई भी कलर बनाते हैं तो उस पर अलग अलग बेस का यूज होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको रेड बेस का यूज दिखाया था, उसके पिछले वीडियो में हमने आपको व्हाइट बेस दिखाया था। आज इस तरह से हम येलो बेस का यूज करके आपको कलर बनाकर दिखाने वाले हैं। येलो बेस वो पेंट होता है जो पहले से ही कंपनी द्वारा येलो कलर का प्रिपेयर करके दिया जाता है, फिर हम उसमें कलर टिंट करते हैं और बना के कस्टमर को देते हैं। तो चलिए हम इस पेंट की पूरी मेकिंग को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है कलर बनाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कलर डालेंगे जो हमें कलर बनाना था, तो 5305 ये हमें कलर बनाना था। हमने इस कलर को सिलेक्ट किया और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट आ गए, ऑरस एक्सटीरियर सिल्क या फिर ऑरस इंटीरियर मैट, इस तरह से सारे प्रोडक्ट आए हैं। तो जो हमें प्रोडक्ट बनाना है वो है ऑरस एक्सटीरियर पेंट, जो एक मिड रेंज एक्सटीरियर प्रोडक्ट है, उसी में बनाने वाले। तो हमने जब इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर ऑप्शन आ गया। आपको 1 लीटर में बनाना है, 4 लीटर में बनाना है, 10 लीटर में बनाना है या 20 लीटर में, आपको जिस क्वांटिटी में बनाना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो ये पेंट बनाना था वो हमें 3 लीटर बनाना था। हमें 1-1 लीटर का बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एक के बाद एक ही बार 4 आता है, 4 लीटर में मिलता है, कहीं भी 3 लीटर या 2 लीटर का पैकिंग नहीं मिलता। तो हम 1-1 लीटर का 3 पैक बनाने वाले हैं। और जो इस बेस की रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं, वो आप जो बेस की रिक्वायरमेंट हो PEY, इसका मतलब हो गया कि कह रही है मशीन की हमें येल्लो बेस लगाना पड़ेगा। और जो कलर गिर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाइट, येल्लो ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, लाइट ग्रीन और मीडियम येल्लो, ये आपको 5 कलर मिक्स करके फिर वो कलर बन रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको येल्लो बेस दिखाते हैं और मशीन पे सेट करते हैं, फिर हम उसमें कलर दिखाते हैं, कलर को टिंट करते हैं और फिर हम उसमें आपको जो भी फाइनल कलर आता है हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जो भी येल्लो बेस है जिसमें हमें पेंट को बनाना है वो हम आपको दिखाते हैं। जब हमने बॉक्स को ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये पहले से ही येल्लो कलर का पेंट है। बाकी अगर आप व्हाइट वगैरह लेते हैं तो उसमें देखते हो उजला पेंट होता है, बट इसमें पहले से ही पीला कलर का पेंट है। तो चलिए हम इसको मशीन से लगाते हैं। तो देख सकते हैं आप, व्हाइट कलर का स्टेनर गिर रहा है, फिर इसमें आपको रेड ऑक्साइड गिरेगा, मीडियम येल्लो गिरेगा, इस तरह से जो भी स्टेनर थे वो 1 बाय 1 करके सारे स्टेनर इसमें गिर गए हैं। तो चलिए हम इसको पूरा वेल मिक्स कर लेते हैं और आपको फाइनल कलर दिखाते हैं। तो चलिए जो हमने इसको प्रॉपर मिक्स कर लिया था, अब ये जो इसका फाइनल कलर है वो आपको दिखाते हैं। तो अब देख सकते हैं जो हमने ओपन किया तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट आ रहा है जैसा हमने सेट कार्ड में देखा, बिल्कुल डिट्टो सेम कलर आया। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कलर बनाना है तो आप नॉर्मल व्हाइट पेंट का इस्तेमाल करके स्टेनर से नहीं बना सकते, उसके लिए आपको येल्लो पेंट का यूज करना पड़ेगा या जो येल्लो बेस है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर जब भी अगर आप पेंटर भी हो, ऐसा कोई पेंट बनाना है तो आप येल्लो बेस दुकानदार से ही लें और फिर बनाएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे बारे इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।